शेखपुरा सुहाना गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकुओं व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। युवक को करनाल ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां से पीजीआई उसे रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। करनाल शेखपुरा सुहाना में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 22 वर्षीय परमजीत को चाकुओं से गोद कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया है और मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर आगे की कार्यवाही आरम्भ कर दी है। यहाँ हम आपको बता दें कि दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो रहा था। वहीं पर परमजीत नामक युवक खेत जोतने के लिए आया हुआ था, जिसको इस वारदात में गहरी चोटें आई हैं। चोट लगने के बाद घायल परमजीत को करनाल के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां से युवक को चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया, परंतु रास्ते में ही परमजीत ने दम तोड़ दिया। फिलहाल परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। ये शेखपुरा जागीर की बात है। तो क्या बात हुई थी, क्या मामला था? वो किराया करने के लिए गया हुआ था, खेत बाड़े के लिए गया हुआ था, किराया करता था वो। और जैसे किराया कर रहा था वहाँ पे, वो उस पे आगे चाकू से हमला कर रहा, सर में गंडासी मारी, उसको वहीं खत्म कर दिया गया। नाम क्या था? परमजीत। परमजीत वो कितने आयु हो गए? 22 साल। शादी शुदा था? नहीं। तो किसी और पक्षों का लड़ाई थी? और किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। जिसका किराया करने गया था, सिर्फ दूसरी पार्टी के खुंदक थी, भी इनका किराया करने क्यों आया है? अच्छा। वैसे उस पार्टी के साथ भी कोई खुंदक नहीं थी, सिर्फ एक ही खुंदक थी कि भाई तो इनका किराया करने क्यों गया। इस उसमें उन्होंने चाकुओं से, गंडासियों से, और वो 6-7 जने हैं, 2 बुलेट मोटरसाइकिल हैं, एक कार है, ब्लैक जेट शीशे हैं जिसके। हर गांव में रात को 11 बजे जब हमने सभी यहाँ जमा करवा रहे थे, उस टाइम भी उन्होंने आके है ना गांव में घर के आके किलकी मारी और बुलेट के पटाखे बजाए, और अब तक फरार फिर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी पुलिस जो काम कर रही है अपना पूरा कर रही है, हमें तो सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, अपनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। मामा तो सिर्फ अंदर दो, हम तब संस्कार करने जाके अब हम अपने को रोड पर रखेंगे, आसपास के सारे गांवों से लोग इकट्ठा होने लग रहे हैं, हम इसको जाके अब संस्कार नहीं करेंगे जी। तो मतलब कि दो शेखपुरा गांव में ही दो किसी और पक्षों के बीच में झगड़े की वजह से उसका किराया करने गया था, उनका आपसी पारिवारिक झगड़ा था, उसके कारण सिर्फ ये उनका किराया करने चल गया, ये इसका गुना था भाई, क्यों आया ये इनका किराया करने। इसी उसमें इन्होंने इसके सर में 2 गंडासी मार रखे, जिसके बदले उसके सर के 2 पीस हो रहे हैं, 4 चक्कू मार रखे हैं, पूरा पेट कटा हुआ है। तो हमने अपना भाई खोया जी, कम से कम उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है, पुलिस की कार्रवाई में कोई डाउट नहीं है हमें, हम संतुष्ट हैं। सिर्फ हमें तो एक मतलब है कि हमारे को अंदर दो नहीं, हम जाके अपने को रोड पर रखेंगे, हम संस्कार नहीं करेंगे किसी कीमत पर। हमारा मर गया 10 दिन रखे रहो, 15 दिन रखे रहो, जब तक अंदर नहीं होंगे हम संस्कार नहीं करेंगे, हमारी फाइनल डिसीजन है। आपका क्या नाम है सर? रामेश्वर। भाई लगते हो? भाई लगता हूँ मैं उसका, बड़ा भाई हूँ मैं। ठीक है। कल गाँव से एक पूरा में सूचना मिली थी कि 2 पक्षों का आपस में झगड़ा हो गया है, कई झगड़े में चोटें लग गई है, जिस सूचना में पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि परमजीत सनफ रोशन लाल उसकी इसी लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण मौत हो गई है, जिसकी 33 प्रबंधक श्री बलजीत सिंह द्वारा कार्रवाई उन्होंने लाई जा रही है। कोई जमीनी विवाद बताया जा रहा है? जमीनी विवाद है, ये वहाँ पर इसको खेत बहाने के लिए गया हुआ था। अच्छा, आपस में क्या विवाद? बारे में ब्रीफ से तो आपको प्रबंधक साहब बता सकते हैं। नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है, अभी मुकदमा दर्ज कर दिया है, उनका पोस्टमार्टम करा के और जो अगली कार्रवाई है वो। कितने लोगों के खिलाफ किया? अभी 4 आदमी के खिलाफ। कोई गिरफ्तार भी हुआ है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, प्रोसेस जारी है। तो ये लड़का क्या करता था परमजीत? ये ट्रैक्टर जोतने का कार्य करता था किराए पे, और ये खेत में कल जोतने के लिए गया हुआ है। विवाद किसी और का था, लेकिन मौत इनकी होगी, हत्या इनकी? हाँ, अभी तक तो प्रथम जो हमारी इंक्वायरी है उसमें यही बात सामने आई है, विवाद किसी का था, ये जोतने के लिए गया हुआ था और इसके ऊपर दूसरी पार्टी ने हमला कर दिया, इसको चाकू और गंडासे से हमला किया है, जिसके कारण इसकी मौत। दूसरे पक्ष का भी कोई घायल? हाँ, दूसरे पक्ष से भी 2 इंजर्ड हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मामला हत्या का दर्ज किया गया? हाँ, मामला बाई नेम है या क्या? बाई नेम दर्ज। कितने लोगों? 4 आदमी खराब दर्ज किया। भाई नहीं सकते भाई, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं इनके साथ? लेकिन प्रशासन की जो गाइडलाइन है आजकल चल रही है, अब देखो ये मीडिया के भाई भी खड़े हैं, ये तो
मीडियम तो वही दिखाएगा जो आप थोड़ा दूर समझो। प्रशासन गाइडलाइन बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हां जी, सुपरा में कल खेत जोतने के समय ट्रैक्टर लेके जो लड़का परमजीत गया हुआ था, किराए पे वो खेत जोतने का काम करता है, तो वो गया हुआ अपना दूसरा जो खेत का पड़ोसी था उसकी जो दौड़ होती है उसमें बाई चांस, क्योंकि ट्रैक्टर चल रहा है तो कई बार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कट लग गया होगा, जिसकी वजह से पड़ोसी ने उसको ऑब्जेक्शन किया कि आपने मेरी ये दौड़ काट दी जानबूझ के। उसने कहा कि मैं इसको ठीक कर दूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर हमला करके और चोटें मारी गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। क्या कार्रवाई की जा रही, कितने लोगों के खिलाफ? परिजनों के द्वारा जो बयान दिए गए FIR दर्ज कर दी गई, और जिस जिसके खिलाफ बयान दिए गए हैं सभी को पूछताछ करके, इन्वेस्टिगेशन करके और गिरफ्तार किया। कितने लोग हैं? बाई नाम कितने हैं? 4 आदमियों के बाई नेम इनके द्वारा। कोई हिरासत में लिया गया? अभी पूछताछ चल रही है। पोस्टमार्टम आज? पोस्टमार्टम अभी होने जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहब का बोर्ड तैयार हो गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.